सो हाउ डू यू फील? संसद फिर धुआं धुआं, 95 साल पहले सेंट्रल असेंबली, वही भवन जो हमारा पुराना संसद भवन कहलाने लगा है। वहां भगत सिंह ने बम फेंका था, फुस्सी बम, यानी धमाका हुआ मगर कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। भगत सिंह ने बम किसी को मारने के लिए नहीं बनाया था, उसमें छर्रे नहीं थे जो विस्फोट के बाद गोली की तरह चारों ओर फैल जाते, शरीरों में घुस जाते, जान ले लेते। सिर्फ आवाज करने वाला बम था, फिर भी पूरी सावधानी से खाली बेंचों पर फेंका कि गलती से भी कोई घायल न हो। भगत ने जिस असेंबली में बम फेंका उसमें विदेशी नहीं भारतीय बैठे थे। आसंदी पर विठल भाई पटेल थे, सरदार पटेल के बड़े भाई। सदस्य भी सारे भारतीय ही थे, वही लोग जो इस असक्त किस्म की संसद में चुनकर आए थे। कांग्रेस नहीं थी क्योंकि गांधी ने ऐसी असेंबली जिसके पास असल पावर न हो चुनाव लड़ने से इनकार किया था, मगर कई कांग्रेसी स्वराज दल बनाकर चुनाव लड़े, जीते मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, विठल भाई, केलकर वगैरह, जिन्ना भी थे, और पंजाब, बंगाल, मद्रास सहित कई जगहों से दिगर भारतीय भी। तो भगत का बम अगर किसी को आहत करता तो भारतीय लीडर्स को ही करता। आज भी जिसने फुस्सी फेंका वह अपनी बात देश तक पहुंचाना चाहता था, हत्या, मारना, हिंसा उसका उद्देश्य नहीं था। अब सवाल यह है कि उनका यह कृत्य आपको कितना उद्वेलित करता है? क्या आपको लगा कि कोई बड़ा ही क्रांतिकारी, अनोखा, हिम्मत वाला, जनता को उत्साह से भर देने वाला काम हुआ है? क्या इससे सरकार के इकबाल को कोई हानि हुई, प्रेरणा मिली आपको? अगर आप इनसे जुड़ाव महसूस नहीं करते, इनकी हिमाकत से आपको सहानुभूति महसूस नहीं होती, आपको कुछ बेवकूफ़ों का बेमतलब और मुखतापूर्ण कृत्य लगता है, तो भला 95 साल पहले भारत की जनता भगत सिंह द्वारा बम फेंकने की घटना से बहुत प्रेरित हुई होगी, बड़ा कनेक्ट फील किया होगा, क्या वो आंदोलित हो गई होगी? सोचिए, अभी का यह कृत्य मोदी सरकार को उसके आलोच्य नीतियों से डरा या दिगा नहीं सकता, तो उस दिन ब्रिटिश सरकार भला इन बम धमाकों से कैसे हिल जाती, डर जाती, कांप जाती? अक्सर सवाल होता है कि खुदीराम बिस्मिल अस्फाक के कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं हुआ, उन्हें वैसा महत्व नहीं मिला जैसा मिलना था, पर जरा सोचिए कि सच में उनके कामों में कितनी डेप्थ थी। कुछ अफसरों को मार देना, डकैती डाल देना, बम वम फेंक कर अंग्रेजी साम्राज्य को कितना डरा दिया गया, एब्सोल्युटली जीरो। उल्टे इन्हें मिली सजाओं ने आम नागरिक के दिल में भय का संचार किया होगा, उनका अंतस कमजोर किया होगा, उन्हें लग गया होगा कि ब्रिटिश के विरुद्ध कोई अटेम्प्ट जानलेवा है, और यही गांधी का महत्व है, यही चरखे का महत्व है। तकली चलाना, नमक बनाना ऐसा क्राइम नहीं, जरायम नहीं, जुर्म जिसे करने से आपका अंतस कांपे। नमक बनाकर जेल जाने और बम बंदूक से किसी को मारकर जेल जाने में अंतर है। पहला विकल्प निडर बनाता है, कॉन्सिक्वेंस का डर नहीं होता। गांधी ने अपनी तकली से लाखों भारतीयों को निडर बनाकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जन समुद्र खड़ा कर दिया। यही हिम्मत, लोगों को जोड़ना, आपके भीतर का डर हटाना गांधी की उपलब्धि है, और यही उस दौर में गांधी की ऊंचाई है। उनके आसपास कोई नहीं, आई रिपीट, कोई नहीं। मौजूदा दौर में भी गांधी ही चाहिए, भगत नहीं। सामूहिक चेतना को जगाने वाला चाहिए, निजी हमले करने वाले नहीं। नक्सल हो, कश्मीरी हो, पंजाबी हो, उत्तर पूर्व के आतंकी कह लें या क्रांतिकारी, जान लेने वाले हो या फुस्सी बम फोड़ने वाले, ये 140 करोड़ जनता की सोच को उद्वेलित नहीं कर सकते। मुझे सदन में कूदने वाले तथाकथित आधुनिक भगत सिंह हो या कहें आतंकियों की मूर्खता पर दया आती है, पर इनसे कोई सहानुभूति नहीं। वाट एवर दे डीड, आई डोंट फील गुड, बट हाउ डू यू फील? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल करते जाइए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।